नमस्कार, मैं हूं मौली स्वामी और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम है एक रुपया और एक पैली धान देकर बढ़ाए किसानों का मान। इस मुहिम के तहत NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने प्रदेश भर से धान व रुपए एकत्रित किए। बता दें कि आज 53 टन चावल और 68,000 रुपए की सहयोग राशि CM हाउस से दिल्ली की ओर रवाना की गई है। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण यह किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रोक लगाने के लिए ही NSUI के कार्यकर्ताओं ने यह अभियान की शुरुआत की थी। पंजाब और हरियाणा से चालू हुआ यह किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, जिसके समर्थन करने हेतु NSUI के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष आकाश शर्मा और महासचिव आदित्य भगत के नेतृत्व में यह मोर्चा खोल दिया, जिससे उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के किसान भी उनके साथ है। कृषि कानून के मसले पर चल रहे इस 2 महीने के किसान आंदोलन पर अब देश भर की नजरें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर टिकी हुई है। बता दें कि इस दिन किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर टिप्पणी देते हुए कहा है कि इस मोर्चे या धरने को रोकने की इजाजत कोर्ट नहीं बल्कि पुलिस देगी। किसानों का गुस्सा केंद्र सरकार के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज के स्टोर्स पर भी फूट रहा है। खबरों के मुताबिक पंजाब में रिलायंस इंडस्ट्रीज की आधे से अधिक यानी करीबन 100 से ज्यादा स्टोर्स अक्टूबर के महीने में ही बंद हो चुकी है। वहीं पंजाब की ही बात करें तो भटिंडा में वॉलमार्ट की 50,000 स्क्वायर फीट पर फैली दुकान किसान आंदोलन के कारण बंद पड़ चुकी है। इस स्टोर के बंद पड़ने पर कंपनी को 59 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। खबरों के मुताबिक इस किसान आंदोलन के चलते 65 से ज्यादा किसानों ने अपनी जानें गंवा दी है। कई दौर की बैठकों के बाद जब सरकार और किसान नेताओं के बीच में कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी का गठन भी किया है, जिसके सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्य और सरकार की तरफ से कुछ मेंबर्स भी है। बता दें कि रविवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस कानून को रद्द करने के अलावा किसान कोई और विकल्प बताए। तब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून की वापसी ही है जो इस आंदोलन को रोक सकती है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इन कानूनों पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद भी सरकार और किसानों के बीच अगली दौर की बैठक 19 जनवरी को होने वाली है। इसके निर्णय यह बताएंगे कि क्या यह किसान आंदोलन यही थम जाता है या यूं ही आगे बरकरार रहता है। खबरों के मुताबिक पंजाब में 50 से अधिक कार्यकर्ता जो किसान का समर्थन कर रहे थे, उन्हें NIA यानी राष्ट्र सुरक्षा एजेंसी की तरफ से नोटिस भी भेजा गया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इन कानूनों पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद 19 जनवरी को किसान नेता और सरकार के बीच में अगले दौर की बैठक है। इस बैठक के नतीजे यह तय करेंगे कि क्या यह आंदोलन यही थम जाता है या यूं ही आगे बरकरार रहता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द भारत पोस्ट।